हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एबीसी ऑफ कॉमर्स। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 194BA के बारे में, जो कि है टीडीएस ऑन विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि आजकल ऑनलाइन गेम्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और लाखों करोड़ों लोग इन्हें खेलते हैं, ओके और उसमें अच्छे अच्छे प्राइजेस भी वो विन करते हैं। तो इसी वजह से गवर्नमेंट ने इस पर भी टैक्स काटना स्टार्ट कर दिया है। तो आपके जितने भी ऑनलाइन गेम्स हैं लाइक ड्रीम इलेवन, रमी कल्चर एक्सेट्रा, अगर इन सब के थ्रू आप कोई भी प्राइज वन करते हैं, कोई भी आपकी अर्निंग होती है, तो वो अर्निंग, वो प्राइज आपको टीडीएस डिडक्ट होने के बाद मिलेगा, जो आपको पेमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मीन्स जो ये कंपनीज है ड्रीम इलेवन, रमी कल्चर, ये रिस्पॉन्सिबल हैं आपका टीडीएस डिडक्ट करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराने के लिए, ओके तो आपकी जो भी विनिंग है उस पर टीडीएस काट कर ये आपको पेमेंट करेंगे। सेक्शन 194BA से पहले सेक्शन 194B था, जिसमें अगर आप जैसे कोई भी लॉटरी से अगर आपने कुछ भी अमाउंट जीता है, कोई भी आपने गेम्स वगैरह में, ऑनलाइन गेम्स या कोई भी अदर गेम्स के थ्रू या कोई भी हॉर्स रेस, गैम्बलिंग, इन सब के थ्रू अगर आपने कुछ भी प्राइज विन किया है, तो उस पर आपको टीडीएस देना होता था 194B में, जिसमें कि एक थ्रेशहोल्ड लिमिट सेट करी गई थी 10,000 की। अगर आप 10,000 से ज्यादा अगर कोई भी प्राइज विन करते हैं, तो उस पर आपको टीडीएस डिडक्ट करके पेमेंट होती थी, जिसमें कि एक थ्रेशहोल्ड लिमिट सेट करी गई थी 10,000 की। अगर आपकी अर्निंग 10,000 से ज्यादा है तो ही आपका टीडीएस कटता था, ओके बट लेकिन अब एक नया सेक्शन लाया गया है 194BA, जिसमें अब आपकी कोई भी थ्रेशहोल्ड लिमिट नहीं है, और अगर आपके ऑनलाइन गेम्स से अगर आपको कुछ भी विनिंग होती है, तो उस पर आपको टीडीएस 194BA में देना होगा, ओके जो आपकी विनिंग प्राइज होते हैं वो आपके दो तरीके से हो सकते हैं, या तो कैश में या काइंड में, या तो फुल्ली कैश या फिर फुल्ली काइंड, या फिर पार्टली कैश या फिर पार्टली काइंड। तो अब बात आती है, जो काइंड में आपको प्राइज मिलेगा क्या उस पर टीडीएस कटेगा? तो यस, उसकी मार्केट वैल्यू इवेल्युएट करी जाएगी उस प्राइज की, और उस पर भी आपको टीडीएस देना होगा, ओके अब अगर काइंड में उसको प्राइज मिला है तो उस पर वो टीडीएस कैसे डिडक्ट करेगा? अगर कैश प्राइज मिला हो तो कैश में से वो डिडक्ट करके दे देंगे उतना हम टीडीएस, लेकिन अगर कुछ काइंड में जैसे लैपटॉप मिला है, फोन मिला है, तो इस पर हम टीडीएस उनको कैसे काट के देंगे? तो इसको हम समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ, ओके तो देखिए एग्जाम्पल वन है, मान लीजिए मिस्टर ए को एक कैश प्राइज विन हुआ है 20,000 का, और साथ में उसने एक स्मार्टफोन भी विन किया है जो कि है 40,000 का। जब हमने उसकी मार्केट वैल्यू इवेलुएट करी तो 40,000 का वो फोन था, तो हमें टीडीएस 20,000 पे भी काटना है, 40,000 पे भी काटना है। मीन्स हमें जो टीडीएस कैलकुलेट करना है वो 60,000 पे 30% की रेट से करना है। मीन्स 1,800 रुपये हमें टीडीएस देना होगा, इसमें विद आपका सरचार्ज भी लगेगा एडिशनल, और कोई सेस है तो वो भी लगेगा, ओके 1,800 के बाद, ओके तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो अब जो 60,000 पे 30% टीडीएस मिला है वो सिंपल 1,800 मिला है, और यहाँ पे जो 60,000 पे 30% टीडीएस बना है वो सिंपल 1,800 रुपये बना है। तो 20,000 में से हम इजीली 1,800 डिडक्ट करके उसको दे सकते हैं। यहाँ पे उसने कैश प्राइस भी वन किया है, तो 20,000 में से हम टीडीएस उसको काट के दे सकते हैं, इतना एनफ है वो कैश प्राइस। लेकिन मान लीजिए अगर उसने खाली एक लैपटॉप जीता है, एग्जाम्पल नंबर टू में अगर उसको खाली एक लैपटॉप मिला है प्राइज में, और उस लैपटॉप की मार्केट वैल्यू है 1,00,000, तो इस पे टीडीएस कैसे देंगे? तो पहले तो हमें इस पे भी टीडीएस देना होगा, 1,00,000 पे 30%, मीन्स 30,000 का हमें इसमें टीडीएस डिडक्ट करना होगा उसका। बट कैसे डिडक्ट करेंगे? यहाँ पे हम उसको कुछ कैश पेमेंट तो कर ही नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे जो कंपनीज हैं जो उसको लैपटॉप गिफ्ट करने वाली है, मीन्स ड्रीम इलेवन, रमी कल्चर, जो भी गेमिंग कंपनी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जो मिस्टर ए है उससे 30,000 कलेक्ट करके उसके बाद वो उनको जो है लैपटॉप दे, ओके तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब जो आपके गेम्स हैं उनकी दो कैटेगरीज हैं, या तो आपके होंगे गेम ऑफ स्किल्स या फिर होंगे गेम ऑफ चांस। तो गेम ऑफ स्किल्स लाइक जैसे कि आपको उसमें बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। जैसे ड्रीम इलेवन है तो उसमें आपको पता होना चाहिए क्रिकेट के बारे में। गेम ऑफ चांस मीन्स कोई भी बंदा इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, चाहे उसे नॉलेज हो या ना हो, ठीक है। अगर प्राइज कुछ मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। तो
दोनों ही टाइप के जो गेम होते हैं उसपे मान लो अगर आपको कोई भी एंट्री फीस पे करनी होती है, कोई भी ऐसा खर्चा अगर आप कर रहे हैं जो डायरेक्ट आप उस प्राइस को विन करने के लिए कर रहे हैं, तो वो जो है उसकी डिडक्शन आपको यहाँ पर मिलेगी। ओके, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि आपको अपनी नेट विनिंग कैसे कैलकुलेट करनी है। जो भी आपने प्राइस विन किया उस पर आप माइनस कर दोगे जो भी आपके डायरेक्ट एक्सपेंस हुए हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस मींस उस प्राइस को विन करने के लिए आपने अगर कुछ भी अमाउंट पे किया है तो उसको यहाँ पे माइनस करोगे, और अगर कोई लॉस हुआ है तो यहाँ पर उसको भी माइनस किया जाएगा। पहले ये 194BA में नहीं था, ये अभी जो नया ऑप्शन आया है 194BA इसमें है, 194B में ये चीज नहीं थी। तो अगर आपको कोई लॉस होता है तो उसकी भी यहाँ पे आपको डिडक्शन मिलेगी। ऐसे करके आप अपनी नेट विनिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। जो आपका गेन है उसमें आप माइनस कर देंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और अगर आपको कोई लॉस हुआ है तो उसको माइनस कर देंगे। एग्जांपल के लिए अगर मिस्टर ए ने यहाँ पर एक ड्रीम इलेवन के एक कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया और उस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए उसको 2000 की कोई एक एंट्री फीस देनी थी, ठीक है, उसने वो 2000 की एंट्री फीस पे कर दी और उसके बाद वो कॉन्टेस्ट जीत भी गया, 10,000 रुपये उसको प्राइस मिल गया। उसके बाद लालच में आकर उसने एक और कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर लिया, उसमें फिर से उसने 2000 रुपये की एंट्री फीस पे करी, बट वो कॉन्टेस्ट वो हार गया। ओके, तो यहाँ पर देखिए नेट विनिंग आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। जो 10,000 का उसका जो गेन हुआ है, जो 10,000 का उसका प्राइस उसने विन किया है, उसमें माइनस कर देंगे 10,000 को जीतने के लिए जो उसने 2000 खर्च करे थे, डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया वो, तो 2000 यहाँ पे हमने लेस कर दिया, और जो 2000 रुपये उसने और बाद में पेड किए थे बट वो कॉन्टेस्ट हार गया था, तो 2000 का उसको वहां पे लॉस हुआ, तो वो 2000 भी यहाँ पे हम माइनस कर देंगे। मींस जो हमें यहाँ पे TDS डिडक्ट करना होगा वो हमें 6000 पे TDS डिडक्ट करना होगा, 30% की रेट से 1800 रुपये TDS डिडक्ट करना होगा, और एडिशनल इसके अलावा आपको सरचार्ज और सेस भी देना होगा। ओके, अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इससे रिलेटेड, जैसे कि किस डेट से ये एप्लीकेबल है। तो ये 1/4/2023 से एप्लीकेबल है। किस अमाउंट पे TDS डिडक्ट किया जाएगा, तो जो आपकी नेट विनिंग है जैसे कि अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, वो नेट विनिंग आपको कैलकुलेट करनी है उस तरीके से, उस पर आपका TDS डिडक्ट किया जाएगा। जैसे कि 194B में थ्रेशहोल्ड लिमिट थी 10,000 की, इस पर कोई भी थ्रेशहोल्ड लिमिट नहीं है। अगर आप 1 रुपया भी विन कर रहे हैं तो उस पर भी आपको TDS डिडक्ट करना है। ओके, तो इसमें ऐसी कोई भी लिमिट नहीं है। उसके बाद देखते हैं किस रेट से आपको TDS देना है, तो हमने भी एग्जांपल्स में डिस्कस कर ही लिया है, 30% की रेट से आपको TDS डिडक्ट करना है। ओके, उसके बाद कब डिडक्ट करना है, तो वैसे तो इसमें TDS एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर डिडक्ट होगा, लेकिन अगर मान लो जो यूजर है उसने अपने अकाउंट में से बीच में ही, साल के बीच में से ही अगर कुछ विड्रॉ किया है तो विड्रॉल के टाइम पे TDS डिडक्ट करके उसको हम अमाउंट पे करेंगे। ओके, क्या हम इसकी डिडक्शन और एग्जेम्पशन ले सकते हैं जो हमने टैक्स पे कर दिया है या जो हमारा TDS कटा है, तो नहीं, हम इसकी कोई भी डिडक्शन और एग्जेम्पशन नहीं ले सकते, ना ही इसमें कोई बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है, जैसे हमारी सैलरी में 2.5-3 लाख की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है, ना ही ऐसी कोई एग्जेम्पशन लिमिट है, और ना ही डिडक्शन ले सकते हैं, ना ही कोई इसकी एग्जेम्पशन है। ओके, एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 206AB हायर डिडक्शन ऑफ TDS क्या इस पे एप्लीकेबल है, तो नहीं, सेक्शन 206AB इस पे एप्लीकेबल नहीं है। इसमें क्या होता है कि अगर आपने लास्ट ईयर अपनी ITR फाइल नहीं करी तो आपका हायर रेट से TDS डिडक्ट होता है, तो इस केस में TDS और ऑनलाइन गेमिंग में ऐसा नहीं है, इसमें हायर रेट से आपका TDS डिडक्ट नहीं, लेकिन इसमें आपको अपनी ITR फाइल करनी मस्ट है। तो जितने भी लोगों का TDS डिडक्ट हुआ है TDS और ऑनलाइन गेमिंग में सेक्शन 194BA के अंदर, आपका जो भी TDS डिडक्ट हुआ है उन सभी के लिए मस्ट है कि वो अपनी ITR फाइल करें और उसमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में अपनी ये इनकम दिखाएं। ओके, थैंक यू।